हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यहाँ रेंज रेडियम ब्लॉग्स में फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, पता है हम आपके लिए नए ब्लॉग्स लेके आते रहे, उसी प्रकार आज हम आपके लिए माँ बीएसएन का ब्लॉग लेके आए, जैसे देख सकते हो माता का। तो दोस्तों चलिए हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी लाइन लग चुकी है, हम अंदर माता के मंदिर में हैं, यहाँ पर उनको दर्शन करने के लिए अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइन लगी हुई है, तो उस लाइन में लगकर हम जाएंगे। हम रूल फॉलो हम भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख सकते हो हम अंदर जाने वाले हैं। इस तरफ यहाँ पे ग्राउंड है जी, यहाँ पे कुछ प्रसाद मरसाद चढ़ाया जा रहा है। देख सकते हो दुकान से भी लगी हुई है। ये माता का ये बहुत भव्य दृश्य माना जाता है। माँ बीएसएन का वे कदवाए के स्थान है, यहाँ पे कब्रिस्तान ये स्थान कदवाए में है, जो बहुत अच्छा है। हम अंदर की तरफ चले गए, अब अंदर तो देख सकते हो हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी बहुत लाइन है। तो यह स्थान का एड्रेस हम बता दें, कदवा है, सोना जिले में ईसागढ़ तहसील के पास में कदवा गांव है। वहां पे एक कदवा वाली माता कहा जाता है इनको, ये बीएसएन माता रहती हैं। ये इन पे आँखें चढ़ाई जाती हैं, इनको आँखों में दर्द होता है, इनको यहाँ पर चढ़ाने पर बहुत अच्छी हो जाती हैं। तो दोस्तों आइए, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करिए। हम और आगे चलते हैं, देख सकते हो हमारी माता हैं ये, हमने आप देख सकते हो ये बहुत हैं। इसके बाद हम दर्शन कर आ चुके हैं, अब हम बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो बाहर आप देख सकते हो ये बहुत भव्य दृश्य दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे हम एक परिक्रमा लगाने वाले हैं यहाँ से हम। तो यहाँ पे परिक्रमा लगाना बहुत भव्य माना जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रसाद चढ़ाए जा रहे हैं। अंदर चढ़ाने की व्यवस्था बहुत कम रहती है, इसलिए बाहर ही व्यवस्था कर दी जाती है। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हम थोड़ा परिक्रमा लगाएंगे। आप भी देख सकते हो यहाँ पे माता बैठी हुई है। यहाँ पे जो उसने तलक लगा सकता है, कोई दान करना चाहता है अपने मन से, वो दान भी यहाँ पे कर सकता है। तो आगे चलते हैं, हम देख सकते हैं हम स्टार्ट होने वा कर रहे हैं हमारा परिक्रमा। तो यहाँ से हम चले आगे की तरफ, और इसी परिक्रमा में हम आपको पूरा मंदिर दिखा देंगे, अगल बगल पूरा चारों तरफ का मंदिर कैसा होने वाला है। तो यहाँ पर सभी को देखना है आपको, यहाँ पे थोड़ा स्किप मत करिए वीडियो। आज हम आपको ब्लॉग बताने वाले हैं, ये माता रानी का ब्लॉग है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने घंटी बजा दी है। घंटी बजाने के बाद हम चलते हैं आगे की तरफ। तो हम आगे की तरफ चल बढ़े, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ पास में घर भी बने हुए हैं, और यहाँ पे भीड़ भी बहुत अधिक होती है। यहाँ पे दुकान लगी हुई हैं, जो भी सिंगार मिंगार बैक्स मैक्स के सिंदूर की, सभी की यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। उन सभी दुकानों को आपको देखना है, जो भी आपको कुछ ख़रीदना है आप ख़रीद सकते हो यहाँ पे से। और आगे जाना है तो यहाँ पे मंदिर के पीछे हिस्से पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मन्नतें मांगी भी जाती हैं बांधने के लिए, और यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाए जाते हैं। और हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक बाउंड्री है इस गन में, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। गौ माता खड़ी हुई है, ये प्रसाद अगरबत्ती लगाई जाती है, यहाँ पे नारियल चढ़ाए जाते हैं। अंदर यहाँ व्यवस्था नहीं है इसमें कोई भी के प्रसाद चढ़ाने की। तो आगे चलते हैं, इसमें एक और मंदिर है बगल में, सामने देख सकते हो मंदिर बने हुए हैं। आसपास में मतलब छोटे छोटे मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा पब्लिक है यहाँ पर। ये बहुत भव्य दरबार है ये माता रानी का, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। फिर आपको हम एक बार एड्रेस बता देते हैं, कदवा कहलाता है, सोना जिले के तहसील ईसागढ़ तहसील के पास में एक कदवा गांव है। आपको यहाँ आना है, ये अशोकनगर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर पड़ता है अकेला, और ईसागढ़ से मात्र 15 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। ये हमारा परिक्रमा पूरी होने वाली है, हम वापस उसी जगह पर आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। तो ये परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है हमारी, हम अब बाहर की तरफ चले। तो बाहर की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो बने हुए हैं ये कुछ दरबार बने हुए हैं, ये सिंदूर मिंदूर की दुकान लगी हुई हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे दर्शन कर लिए, हम चलते हैं अंदर मेला देखने के लिए। तो यहाँ हम साइड से निकल जाते हैं हम अंदर। हम यहाँ पे अंदर मेला भी बहुत बड़ा लगता है, इसमें बहुत सी सामान खरीदने की छोटी मोटी दुकानें यहाँ पे लगी रहती हैं। यहाँ से आप ये माता का दरबार चबूतरा बोला जाता है, ये भी यहाँ पे किसी देवी देवताओं के बने हुए हैं। पेड़ के नीचे भी
सभी प्रसाद चढ़ाते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे सभी प्रसाद चढ़ाए हैं, देवी देवता बने हुए हैं यहाँ पर भी। तो आपको आना है, सभी देवी देवताओं दर्शन करके बहुत अच्छा आनंद मिलता है। हम चलते हैं अंदर बाहर की तरफ, तो बाहर तरफ भी मेला लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे सभी महिलाओं के सामान की दुकान लगी हुई हैं, बच्चों के सामान की दुकानें भी लगी हैं, सभी चीज़ों की दुकान यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। जो आप ख़रीदारी करनी हो वो आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे फल फ्रूट की दुकानें भी लगी रहती हैं, कुछ खाना पीना चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे चलते हैं हम और थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बर्तनों की दुकान लगी हुई है, देख सकते हो यहाँ पे आपको आगे हम आपको और भी मंदिर दिखाने वाले हैं। इसके पास में जो भी है वो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे चूड़ी कंगन ये गुल्लक मिल रही हैं, यहाँ पे माटी की बनी हुई गुल्लक है जो प्राचीन रहती हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं बाहर, ये हमने गाड़ी से निकला है तो हम थोड़े दूर मतलब रास्ते में वापस लौटते वक्त हमको मिला एक और मंदिर जिसे कहा जाता है देवकानी माता का मंदिर। हम अंदर से आ गए, हम ये माता मंदिर, ये देवकानी माता का ये मंदिर का गेट है, ये देख सकते हो। वो अभी पहले था, वो मेन गेट था, उसके अंदर हम आए तो यहाँ पे देवकानी 0 लिखा है, देख सकते हो। मतलब हम अंदर आ चुके हैं तो हम इसके अंदर चलते हैं। तो अंदर की तरफ ये देवकानी माता मंदिर, ये पास में गैल में रास्ता में पड़ता है, मतलब यहाँ से जाओगे ना आप इस अगड़ से कदवा की तरफ तो भी आपको पड़ेगा। उधर से दर्शन करने का आनंद लौटते वक्त अच्छा लगता है, क्योंकि अपन जिसके लिए जाते हैं वो पहले करना चाहिए। तो हम वहाँ से लौटते समय यहाँ पे आ चुके हैं। इसके बाद हम अंदर आ गए हैं मंदिर की तरफ, देख सको यहाँ पे ये नल लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत भरपूर मानी जाती है। ये मंदिर भी बहुत भव्य है, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, देवकानी माता का मंदिर ये कहलाती है। तो हम चलते हैं, पहले प्रसाद मरसाद ले लिया हमने, प्रसाद लेने के बाद हम आ गए महाराज जी के पास। देवकानी माता हैं ये, देख सकते हो ये उनकी दान पात्र भी बना हुआ है, यहाँ पे आप जो भी कुछ चढ़ाना चाहते हो चढ़ा सकते हो। इसके बाद हम थोड़ी और आपको बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये माता जी बैठी हुई हैं उस मंदिर में, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे आना है, महाराज जी को प्रसाद चढ़ा देना है और अपने दरबार में हाथ पैर अच्छी समाधा टेक कर आना है। इसके बाद अगला मंदिर हमारा अंदर ही दिख रहा है हुआ, तो अंदर चलते हैं। अंदर और भी मंदिर है, यहाँ पे एक मंदिर ये देख सकते हो भोलेनाथ जी का भी है, यहाँ पे पिंडी बनी हुई है, शिवलिंग बनी है, शिकायत आता है। तो आप यहाँ भी दरबार में आपको आना है, दर्शन कर लेना है अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। इसके बाद हम ये हमारे पास में दरबार में बजरंग बली बब्बा या बड़े बब्बा बोला जाता है, उनका भी एक मंदिर यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे हमने उनको भी दर्शन कर लिए हैं। दर्शन करने के बाद हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे